इंटरनेशनल रिपोर्ट और आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज बात उस नरक लोक की जो हमने स्पेशल रिपोर्ट में चित्रकूट में आपको दिखाया था। खबर के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। आधी रात प्रशासनिक अमले ने गांव में डेरा डाल दिया। अब चित्रकूट का प्रशासन लीपा पोती में जुट गया है। डीएम बेटियों के बयान को झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो एक एक बयान के पूरे सबूत मौजूद हैं। बोलते हैं अपना शरीर दे दो, हम तुमको कान से लगाएंगे, लेकिन हम दे देते हैं अपना शरीर। वहाँ पे एक नहीं रहते हैं, हजारों आदमी रहते हैं। हमारा मंजूरी के पाछे वो इज्जत दिया था, नहीं बचाता है इज्जत खातिर कहने। खराब तो लगता है, इज्जत तो इज्जत, गरीब हो अमीर हो इज्जत एक ही होता है। गरीब आदमी समझ के तो हमें तो एक दिन बहनी बेटे उठा ले जाएंगे, दीदी हम क्या करेंगे, हमसे नहीं कर जा रहा। चित्रकूट की इन बेटियों पर वहशियाना जुल्म का खुलासा जब आज तक ने किया तो शासन प्रशासन की नींद उड़ गई। जिस प्रशासन को कभी दिन के उजाले में इन बेटियों का दर्द नहीं दिखा, वो प्रशासन आधी रात को उनके गांव पहुंच गया। प्रशासन आज तक के इस खुलासे पर पूरी तरह लीपा पोती में जुटा है। आज तक की एक विशेष रिपोर्ट में जिस बात की चर्चा की गई थी, उसको घटना की जानकारी होते ही तुरंत हमने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए घटना के विषय में, और तुरंत कप्तान साहब के साथ हम लोग गांव में पहुंचे थे। संबंधित परिवार ने, उनके बच्चियों ने किसी प्रकार की कोई भी घटना होने से साफ तौर पे इनकार कर। सुनिए आपने डीएम साहब की बात। अब जरा हम आपको दिखाते हैं डीएम साहब का वो ट्वीट जो उन्होंने मंगलवार की रात किया था। इस ट्वीट में जिलाधिकारी ने लिखा था, अभी अभी मैंने आज तक चैनल पर प्रसारित विशेष रिपोर्ट को देखा। वर्णित घटनाक्रम की गहन जांच करने के लिए मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश कर दिए हैं। इस निंदनीय कृत्य में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। घटना के विषय में आज तक की सम्मानित संवाददाता श्रीमती मौसमी सिंह जी से भी दूरभाष पर अनुरोध किया गया, तथा स्थानीय संवाददाता श्री संतोष बंसल जी से भी हमने अनुरोध किया कि इस घटना के विषय में कोई विस्तृत विवरण आपके पास यदि उपलब्ध हो तो हमें उसको तत्काल उपलब्ध करा दें, जिस पे हम लोग तुरंत कार्रवाई करें। दिन के उजाले में डीएम साहब पलट गए, कहां तो जांच की बात कर रहे थे, कहां वो आज तक से सहयोग मांग रहे थे, लेकिन अब डीएम साहब क्या कह रहे हैं आप भी सुनिए। उस पे भी हमने अनुरोध किया मौसमी सिंह जी से भी कि घटना के विषय में प्राइम टाइम पे जो चला है इस पे विस्तृत विवरण अगर कोई आपके पास हो तो उपलब्ध करा दें, परंतु उन्होंने खेद का विषय है कि उपलब्ध नहीं करा। आज तक ने तो खबर दिखाकर अपना दायित्व निभाया, लेकिन प्रशासन क्या कर रहा है आप खुद देख सकते हैं। चित्रकूट के जिलाधिकारी शेषमणि पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन जब आज तक संवाददाता ने उनसे चित्रकूट की बेबस बेटियों पर सवाल पूछे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में ही छोड़कर चले गए। उनको रोका गया कल, वहाँ कवरेज से क्यों रोका गया आपको ये बताना पड़ेगा, कवरेज से क्यों रोका गया, आप सवाल के जवाब क्यों नहीं दे रहे। तो साफ तौर पर जो जिलाधिकारी है यहाँ कर वे सारे सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं। जो नाबालिग लड़कियां हैं उन्होंने अब आज तक की स्पेशल रिपोर्ट में साफ तौर पर यह कहा कि लगातार उनका यौन शोषण होता रहा, उनकी जो माँ है वह भी गरीबी के कारण कुछ नहीं बोल पाई, भगाया जाता था, धमकाया जाता था उन लोगों को, लेकिन जो जिला प्रशासन है वह इस मामले में ठीक से कार्रवाई नहीं कर रहा। सवाल ये है कि पुलिस प्रशासन आधी रात गाँव में क्यों गया, पुलिस प्रशासन आरोपी ठेकेदारों को छोड़कर गाँव की बेटियों से पूछताछ में क्यों जुट गया, प्रशासनिक अमले ने बेबस बेटियों और उनके परिवारों में कहीं खौफ तो नहीं भर दिया, जिन बेटियों ने खनन ठेकेदारों के जुल्मों का
खुलासा आज तक पर किया था, वो बेटियां कहीं पुलिस प्रशासन के सामने सहम तो नहीं गई? क्या प्रशासन और पुलिस ने निष्पक्ष जांच की? आज तक के खुलासे से चित्रकूट प्रशासन भारी दबाव में, तो कहीं इस दबाव के चलते लीपापोती तो नहीं हो रही? ये बहुत ही दुखद है और मैं मांग करना चाहती हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि इसका तत्काल संज्ञान लें और इसकी न्यायिक जांच हो, हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में इस पूरे मामले की जांच हो, क्योंकि प्रशासन, जैसा कि सूचना मिली है कि इस पूरे मामले की लीपापोती करने पर आमादा है। अगर इसकी न्यायिक जांच होगी तो इन बेटियों को न्याय मिल सकेगा। चित्रकूट की कलंक कथा उजागर होने के बाद से प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं। अब इस मामले की जांच के लिए प्रशासन ने 6 सदस्यीय टीम गठित की है। सवाल ये है कि क्या ये जांच टीम बेटियों के साथ इंसाफ कर पाएगी? आज तक की खबर के बाद चित्रकूट प्रशासन हरकत में आया है। जिला अधिकारी से लेकर तमाम आला अधिकारियों की टीम उन पीड़िताओं से मिलने के लिए गई, मगर ये मामला सिर्फ खाना पूर्ति का नहीं है, जरूरत है ठोस कार्रवाई की ताकि माँ बेटियों को इस नरक लोक में यूं बर्बाद ना होना पड़े। कैमरा पर्सन परमेंद्र शर्मा के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। अब हमारे साथ मौसमी सिंह, हमारी सहयोगी, सीधे चित्रकूट से जुड़ रही हैं। लेकिन उससे पहले जो बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं पूरे मामले में, वो हम आपको दिखा दें। सवालों में आखिर चित्रकूट पुलिस क्यों है? जांच के लिए आधी रात को क्यों पहुंचा पुलिस और प्रशासन? ये सबसे बड़ा सवाल है। आधी रात में पूछताछ के तरीके से पीड़िताओं में खौफ पैदा हुआ। चित्रकूट पुलिस जांच करना चाहती है या मामला दबाना चाहती है? क्या लीपापोती की कोशिशें हो रही हैं? आज तक के खुलासे के बाद गहरे दबाव में है चित्रकूट पुलिस और प्रशासन। दबाव में मामले को दबाने की हो सकती है कोशिश। कई सारे सवाल हैं, लेकिन इन सवालों के साथ सीधे चलते हैं। मौसमी सिंह, हमारी सहयोगी, इस वक्त उसी गांव के बाहर मौजूद है। मौसमी, पूरी कोशिश है इस नरक लोक को एक भय लोक में तब्दील करने की, पुलिस की भारी तैनाती है। अगर पुलिस और प्रशासन का कहना है कि कोई घटना वहां घटी ही नहीं है, तो इस तरह की तैनाती क्यों? आधी रात में जाकर उन लड़कियों से पूछताछ क्यों? अनेकों सवाल हैं जो आज सामने खड़े हैं। मौसमी, बिल्कुल अंजना, हम उस गांव पे हैं जहां पे पीड़िता रहती हैं और हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे, ये हमारी गाड़ी की लाइट थी, हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे वो आधे सेकंड के लिए लाइट बंद करेंगे कैमरे की और आप खोल दीजिए। और ये हकीकत है इस गांव की, यहां आप दूर दूर तक देख लीजिए तो कुछ आपको चूल्हे की रोशनी या थोड़ी बहुत लाइट दिख जाएगी। जिस तरह से रात में ये गांव गायब हो जाता है, वैसे ही 21वीं सदी के भारत में इसका वजूद भी इसी तरह से लुप्त है। पर इस रात के अंधेरे में सरकारी गाड़ी यहां तक आती है और 1.5-2 घंटे तक उनको बैठा के ले जाती है। 1.5-2 घंटे तक तमाम फौज रहती है उसके बीच में, पड़ताल करती है। सवाल यही है अंजना कि क्या ये जो जमीनी हकीकत है, क्या यहाँ की जो जमीन है, आसमान है और जो हालत है, वो प्रशासन रातों रात उस पर लीपापोती व्हाइट वॉश कर सकता है? क्या उसको बदल सकता है? क्या होगा उन बच्चियों का, उन बेटियों का जिन्होंने हिम्मत की है, लंबा लंबा पूरा डिटेल बड़ी बारीकी से उनके साथ जो दरिंदगी हुई है, कोई एक 30 सेकंड की बाइट नहीं है ये अंजना। उन्होंने पूरा बयां किया है अपनी खौफनाक दास्तान। ये आतंक का साया यहाँ पूरा फैला है, अवैध खनन है, ये प्रशासन भली भांति जानता है। फिर भी रात को आला अधिकारी आते हैं, महिला पुलिसकर्मी शायद 1 या 2, और तमाम आदमियों के सामने उनको इंटेरोगेट किया जाता है कि आपके साथ बलात्कार हुआ कि नहीं, आपकी इज्जत लूटी गई कि नहीं, डिटेल बताइए आप। उनकी माँ को पकड़ के लेके जाया जाता है। सोचिए आप सोशल स्टिग्मा, कितने दंश में, कितने डर में वो लोग जी रही होंगी। और हमने ये स्टैंड लिया है कि हम प्रशासन की तरफ तरह आरोप प्रत्यारोप नहीं करेंगे,
हमने उनकी उनसे बात की है, हमारे पास सारे साक्ष्य और सबूत हैं, उनका निष्पक्ष इंटरव्यू है। हम दोबारा उनको जाके प्रशासन के दबाव के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है वो किस मझधार में फंसी है। उन्होंने इतनी हिम्मत कर ली कि इस भारत 21वीं सदी के भारत में इस नर्क लोक का बखान कर दिया। तमाम हजारों ना जाने कितनी दर्जनों बेटियों की ये हकीकत है जो उन दो तीन बेटियों ने हिम्मत की बोलने की जी। प्रशासन को उस सच को अपनाना चाहिए था अंजना, ना ना कि एक और पूरा जो है आडंबर का और पाखंड का एक पूरा जो है पड़ताल खड़ी करनी चाहिए। बिल्कुल मौसमी, ये सवाल अब सीधा उस डीएम के लिए है जो लगातार खबर को नकार रहे हैं। सवाल नंबर एक, जांच आधी रात में क्यों की गई डीएम साहब? सुनिए और जवाब देने के लिए सामने आइए। लड़कियों पर कोई आरोप नहीं है, फिर उन्हें घर से निकालकर आधी रात में पूछताछ क्यों की गई? सवाल नंबर तीन, डीएम साहब पूछताछ के लिए देर रात जाने वाले वरिष्ठ अधिकारियों की सूची में किसी महिला का नाम आपने क्यों नहीं डाला है अपने प्रेस नोट में? क्या रेप के मामले में कानूनी प्रावधानों के अनुसार चित्रकूट में लड़कियों से पूछताछ की गई? लड़कियों और उनके परिवार वालों से पूछताछ के अलावा भी क्या प्रशासन तफ्तीश को आगे बढ़ा रहा है? जिन लोगों पर आरोप है, क्या वहां पर आपकी पुलिस, आपका प्रशासन पहुंचा? चित्रकूट में बच्चियों का यौन शोषण स्थानीय प्रशासन के सामने हो रहा था, ऐसे में उसी प्रशासन के जिम्मे जांच क्यों छोड़ी गई है? अगला सवाल, अगर 7 जुलाई को ही एक अतिरिक्त जांच समिति बना दी गई थी तो जांच इस कमेटी ने क्यों नहीं की? डीएम साहब आपने खुद प्रेस नोट जारी किया है, उसमें आपने कहा है कमेटी बनाई गई है, तो फिर कमेटी जांच क्यों नहीं करती? अगर जुर्म हुआ ही नहीं, गांव में पुलिस पार्टी क्यों तैनात कर दी गई है? सवाल नंबर 9, इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार आखिर चुप क्यों है? सवाल नंबर 10, गांव से पत्रकारों को दूर क्यों रखा जा रहा है? सवाल नंबर 11, प्रशासन किस आधार पर इंडिया टुडे ग्रुप की रिपोर्ट को फेक बता रहा है? जरा खुलकर सामने आइए, जो प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए कि आखिर आधी रात में इन बच्चियों से सवाल क्यों पूछा गया? इंडिया टुडे ग्रुप का आधिकारिक बयान है कि चैनल आज तक, इंडिया टुडे टीवी और ग्रुप के सोशल मीडिया पर एक खबर दिखाई गई थी। खबर में दिखाया गया था कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट इलाके में किस तरह आदिवासी लड़कियों का शारीरिक शोषण होता है। पूरी खबर की शूटिंग लोकेशन पर जाकर की गई थी। सभी इंटरव्यू हमारी संवाददाता ने अपनी कैमरा टीम के साथ किए। हमारे पास पीड़ितों के इंटरव्यूज हैं, उनकी पीड़ा के बयान का लंबा वीडियो मौजूद है। हमारे पास कैमरे पर पीड़ितों के परिवार वालों की रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, जो पीड़ितों के इंटरव्यू और उनके बयान के वक्त वहां मौजूद थे और सभी आरोपों का समर्थन कर रहे थे। इंडिया टुडे ग्रुप बिना किसी पूर्वाग्रह के उन पीड़ितों की बातों पर भरोसा करता है कि उनके बयानों के पीछे उनका कोई छिपा मकसद नहीं था, उन बच्चियों का। हमें यकीन है कि हमने समाज की विकृति की एक सही तस्वीर दिखाई। इंडिया टुडे ग्रुप अपनी इस खबर के साथ खड़ा है। हम इस खबर का फॉलो अप भी जारी रखेंगे। हम आपको पहले सुनवाते हैं चित्रकूट के जिलाधिकारी कैसे हमारी खबर को झूठलाने की कोशिश कर रहे हैं। डीएम साहब क्या कह रहे हैं, सुनिए। हम लोग वहां पहुंचे और उनके उन लोगों से भी संपर्क किया गया और उनसे बहुत ही सहज रूप से ये पूछा गया कि क्या आपके साथ कोई अभद्रता या कोई भी शोषण किसी के द्वारा किया जाता है, जिस पर उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। उन बच्चियों ने साफ कहा कि ना उनके साथ ना उनके परिवार किसी अन्य के साथ कभी भी कोई भी यौन उत्पीड़न या अभद्रता की गई। अब सुनिए डीएम साहब, आपकी बात तो हमने सुन ली, लेकिन जो आप नहीं सुनना चाह रहे हैं उसको सुनिए। हम आपको सुनाते हैं इन बेटियों ने आज तक के कैमरे पर क्या कहा है। पार्क पीछे एक बिस्तर लगा, नीचे उधर ही लेके जाते हैं एक एक जन करके जा। अब हम गए, हम चले, दूसरी गई, दूसरी चले, तीसरी, ऐसे होता नहीं करते हैं तो मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, क्या कर, दर्द होता है, सवाल सह लेते, दुख तो बहुत होता है कि लग मर जाए गांव में ना रहे।
कम पेट रोटी तो चलाएंगे जैसे चला। सुना आपने डीएम साहब, एक और बेटी का दर्द सुनिए, सुनिए इसे। क्या कहते हैं? कहते हैं काम करना हो तो करो, जो इस तरह काम करोगे तो हम लगाएंगे ना, चले जाओ अपने घर, लेकिन हम करेंगे। अब हम आपको सुनाते हैं इन बच्चियों की माँ क्या कह रही हैं। एक पीड़िता की माँ ने क्या कहा है, कैसे कहा है कि पुलिस के साथ मिली भगत है इन ठेकेदारों की, वो सुनिए जरा ध्यान से डीएम साहब। जब दरोगा पुलिस जब खुद ठेकेदार बांधे है तो ठेकेदार तो बोलवे करी, दरोगा पुलिस खुद बांधे है, गरीबन के पूरी नहीं सुन रहा। देखा जब घूस देना, जब गरीबन के पुलिस दरोगा सुनता है। दीदी गरीब आदमी, दीदी आज कमा के लाना आज खाएं, कहाँ हम घूस पाई कि दरोगा पुलिस करी हम। आके रोती है दीदी, तो फिर हम जाते हैं लड़ने तो हमको भी मारते हैं, तो हम चले आते हैं, क्या करें। देखो सयान लड़की तुम्हारो भी हो गए तो तुम्हें अच्छा लगेगा दीदी, ये देखा सब दिन नहीं चलेगा दीदी। आज हम तुमसे कह रहे हैं और तुम और आगे समझ के देखा बना नहीं तो हम क्या करेंगे, गरीब आदमी मर जाएंगे ही नहीं, हमारी लड़की मर ना जाएंगी दीदी। बच्चियों की माँ जो बता रही है मौसमी, उससे ये तो बिल्कुल स्थापित हो जाता है कि इस नरक लोक में एक भय लोक भी बनाया गया है, जिसकी वजह से ये माएं पुलिस के सामने जाने, प्रशासन के सामने जाने से डरती हैं। और इसकी तस्दीक करता है ये बात कि किस तरह से कानूनी प्रावधानों को दरकिनार करते हुए आधी रात में जो पीड़िता है उनसे ही पूछताछ की गई उन्हें घर से निकालकर। इस खबर पर अपनी नजर बनाए रहिएगा। मौसमी सिंह हमारी सहयोगी चित्रकूट से हमारे साथ जुड़ी हुई थी। मौसमी बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी खबर पर इस तरह से बने रहने के लिए और पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। गैंगस्टर विकास दुबे की तकरीबन 125 घंटे बाद 8 पुलिस वालों का खून करके भागा विकास दुबे, पुलिस को दिखाई तो दिया लेकिन हाथ नहीं आया। जी हाँ, हरियाणा के फरीदाबाद में विकास दुबे देखते ही देखते ऑक्टो पकड़कर रफू चक्कर हो गया। अब पुलिस कह रही है विकास दुबे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जी हाँ, विकास दुबे सामने आया और पुलिस ने उसे देखा भी लेकिन उसे पकड़ नहीं पाई। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे विकास दुबे ने यूपी पुलिस की 50 टीमों और एसटीएफ के पूरे लाल लश्कर को चकमा दे दिया। कैसे विकास दुबे कानपुर में 8 पुलिस वालों का खून करके हरियाणा के फरीदाबाद तक पहुंच गया और फरीदाबाद में कैसे वो सबके सामने आया, लेकिन पुलिस एनकाउंटर तो दूर उसे छू तक नहीं पाई। एकदम धूम स्टाइल से पुलिस को चैलेंज देकर निकल गया विकास दुबे, पकड़ सको तो पकड़ लो। अब पुलिस ने भी इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। हम लोग अपने साथियों की शहादत को वेस्ट नहीं जाने देंगे और जो भी कार्रवाई होगी वो विधिक होगी और ऐसी होगी जिसको जिन्होंने इस तरह की हिम्मत की है उनको हमेशा पछतावा होगा, नजीर बनेगा। पिछले 6 दिनों से यूपी पुलिस विकास दुबे को गिद्ध की तरह ढूंढ रही है। आखिर विकास दुबे ने कौन सा कवच ओढ़ रखा है जो लगातार पुलिस की आंखों से ओझल हो रहा है। लेकिन अब पुलिस ने भी विकास दुबे का चैप्टर क्लोज करने के लिए मास्टर प्लान बना लिया है और इसी मास्टर प्लान के तहत पुलिस ने विकास दुबे के राइट हैंड, विकास दुबे के शार्प शूटर अमर दुबे को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। साथ ही पुलिस ने विकास दुबे के सिर पर इनाम भी 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है और इसी के साथ शुरू हो गया है विकास दुबे का काउंटडाउन। आज हम आपको अमर दुबे के एनकाउंटर की पूरी कहानी बताएंगे, उससे पहले आपको दिखाते हैं कि फरीदाबाद से विकास दुबे कैसे फरार हुआ। तो सुनिए, विकास दुबे फरीदाबाद में एक सीसीटीवी कैमरे में नजर आता है। ये 3 तस्वीरें हैं, तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। एक तस्वीर में नीली टी शर्ट पहने ये शख्स एक गेस्ट हाउस के काउंटर पर खड़ा नजर आता है। दूसरी तस्वीर में यही शख्स बैग लिए सड़क किनारे खड़ा दिखता है।
जबकि तीसरी तस्वीर में यही शख्स एक ऑटो रुकवाता है और उसमें बैठकर निकल जाता है। शक यही है कि इन तस्वीरों में नजर आ रहा यह शख्स कोई और नहीं बल्कि विकास दुबे ही है। आधी अधूरी शक्ल जो दिख रही है वो भी विकास दुबे से मिलती है और तस्वीर में कैद शख्स का जो हुलिया और कदकाठी है वो भी विकास दुबे से मिलती है। और सबसे बड़ी बात जो इस शख्स के विकास दुबे होने की बात को पुख्ता करती है वो ये कि इसी फरीदाबाद से हरियाणा पुलिस ने 3 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जिनका ताल्लुक विकास दुबे से है। इनमें से 2 तो उसी बिकरू गांव के हैं जहां का विकास दुबे है। और सबसे बड़ा सबूत ये कि इन 3 के पास से हरियाणा पुलिस ने 9mm की वो पिस्टल भी बरामद कर ली है जो 2 जुलाई की रात एनकाउंटर के बाद विकास दुबे और उसके गुर्गों ने पुलिस टीम से छीन ली थी। 2/3 की जुलाई की जो घटना थी उस दौरान पुलिस की लूटी हुई 9mm की 2 सरकारी पिस्टल जो कि 1 थाना बिठूर और की थी वो भी बरामद की गई है तथा 2 अन्य पिस्टल तथा 44 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। यानी साफ है कि विकास दुबे फरीदाबाद आया था। हालांकि एसटीएफ पक्के तौर पर अभी यह दावा करने से बच रही है लेकिन सूत्रों के मुताबिक चेहरे मोहरे डील डॉल और फरीदाबाद से गिरफ्तार किए गए विकास के 3 सहयोगियों ने विकास के पहने कपड़ों के बारे में जो जानकारी दी है वो इस शख्स से हूबहू मिलती जुलती है। जब फरीदाबाद पुलिस को जानकारी मिली उसके बाद इस घर में बकायदा पुलिस टीम ने रेड की और जो 1 आरोपी था उसने फरीदाबाद पुलिस की टीम पर फायर भी किया था लेकिन जो पुलिसकर्मी थे वो बाल बाल बचे थे। उसके बाद छत के ऊपर से एक आरोपी को दबोचा गया जबकि 2 लोगों को घर के अंदर से दबोचा गया। कुल मिलाकर फरीदाबाद पुलिस ने इस मकान से अंकुर प्रभात और श्रवण को गिरफ्तार किया है लेकिन विकास दुबे अभी भी यहां से फरार होने में कामयाब हो गया। फरीदाबाद कोर्ट ने विकास दुबे के सहयोगी प्रभात को 24 घंटे के लिए यूपी पुलिस को ट्रांजिट रिमांड पे दिया है। अब यूपी पुलिस प्रभात से इस पूरी साजिश की एक एक परतें खोलने की कोशिश करेगी और साथ ही साथ ये भी पता लगाएगी कि कानपुर से भागने के बाद विकास दुबे और प्रभात किस किस से मिले, किस किस की मदद ली और कहां कहां पर रुके। हालांकि हरियाणा पुलिस ने फरीदाबाद के सेक्टर 27 के इस गेस्ट हाउस में जब धावा बोला तब तक विकास वहां से खिसक चुका था। गेस्ट हाउस से जानकारी मिली है कि सही पहचान पत्र न होने के चलते गेस्ट हाउस के मैनेजर ने उसे कमरा नहीं दिया था। सर 12:30 से 1 के बीच में ही आए थे, इन्होंने रूम की पूछी, रूम मिल जाएगा। मैंने सर मिल जाएगा, आईडी कार्ड हुई, इन्होंने मुझे पैन कार्ड दिया। पैन कार्ड में ना तो इनका कोई एड्रेस था ना होता उसमें, और क्या कहते हैं फोटो ब्लर आ रही थी जिससे लगे कि हाँ ये भाई ये आदमी इसी का आई कार्ड है, पैन कार्ड है, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने उनसे कहा आप दूसरी आईडी दे दो कोई मेरे को, उन्होंने मुझे आईडी नहीं दी और वो चुपचाप नीचे उतर। विकास दुबे फरीदाबाद में तो हाथ से निकल गया, अब कहां भाग सकता है। तो सूत्रों के मुताबिक विकास दुबे दिल्ली NCR या फिर राजस्थान की तरफ भागा है। यूपी पुलिस इसी सिलसिले में दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस और राजस्थान पुलिस से लगातार संपर्क में है। फरीदाबाद से अरविंद ओझा के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, कानपुर आज तक। विकास दुबे तो पुलिस के हाथ नहीं आया लेकिन उसके शार्प शूटर अमर दुबे का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। पुलिस कह रही है अमर दुबे के बाद विकास दुबे की बारी है। हम आपको बता दें कि अमर दुबे भी फरीदाबाद में विकास दुबे के साथ था लेकिन दोनों अलग अलग हो गए और यूपी के हमीरपुर में पुलिस ने अमर दुबे का चैप्टर क्लोज कर दिया। विकास दुबे भाग भाग कर हांफ जाएगा लेकिन पुलिस से नहीं बच पाएगा क्योंकि विकास दुबे के लिए यूपी पुलिस ने चारों तरफ जाल बिछा दिया है। कैसे, आइए आपको समझाते हैं। विकास दुबे के शार्प शूटर अमर दुबे का हमीरपुर में एनकाउंटर।
विकास दुबे के तीन गुर्गों को फरीदाबाद से किया गिरफ्तार। विकास दुबे पर इनाम 2.5 लाख से बढ़ाकर किया 5 लाख। पुलिस की गोली भले ही अभी तक विकास दुबे को नहीं छू पाई है, लेकिन उसके शार्प शूटर अमर दुबे को पुलिस ने एनकाउंटर में मौत के घाट उतार दिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने हमीरपुर में अमर दुबे को मार गिराया। हम आपको बता दें, 2 जुलाई की रात बिकरू गांव में पुलिस पर गोलियां अमर दुबे ने भी बरसाई थी। घटना का मैं नामित और वांछित तथा 50,000 का इनामी बदमाश आज सुबह एसटीएफ और स्थानीय पुलिस के संयुक्त मुठभेड़ में मारा गया। इधर अमर दुबे का एनकाउंटर हुआ और जैसे ही पुलिस को ये पता चला कि विकास दुबे फरीदाबाद के एक होटल में छुपा था, उसका इनाम बढ़ाकर 2.5 लाख से 5 लाख कर दिया। हम आपको ये भी बता दें कि ये यूपी में किसी अपराधी पर अब तक का सबसे बड़ा इनाम है। फरीदाबाद तक अमर भी विकास दुबे के साथ था, लेकिन पुलिस की सख्ती को देखते हुए दोनों अलग अलग हो गए। अमर दुबे हमीरपुर होते हुए मध्य प्रदेश भागना चाहता था, इसलिए मंगलवार रात हमीरपुर में एक रिश्तेदार के घर पहुंच गया। पुलिस ने अमर से सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन उसने फायरिंग कर दी और जवाबी मुठभेड़ में अमर मारा गया। अमर की ऑटोमेटिक गन और एक बैग भी बरामद कर लिया गया। इस बदमाश के पास से एक अवैध सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल 32 बोर तथा कारतूस बरामद हुआ है। आगे की विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। अमर दुबे कितना कुख्यात अपराधी था, उसकी कुंडली भी जान लीजिए। अमर ने 10 बदमाशों के साथ बिल्लौर के सीओ देवेंद्र मिश्रा की हत्या की थी। अमर और उसके साथी मिश्र को घसीटकर विकास दुबे के मामा प्रेम कुमार पांडे के घर ले गए और गोलियों से भून दिया। धारदार हथियार से भी वार किए थे। प्रेम कुमार पांडे एनकाउंटर में पहले ही मारा जा चुका है। कानपुर शूटआउट की एफआईआर में अमर दुबे का नाम 14वें नंबर पर और वांटेड अपराधियों की लिस्ट में पहले नंबर पर था। अमर और विकास रिश्तेदार थे। अमर रंगदारी और शराब के ठेकों से वसूली करता था। फरीदाबाद से हिमांशु मिश्रा के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, कानपुर आज तक। यूपी पुलिस ने विकास दुबे के गैंग को मौत की लाइन में लगा दिया है। अब तक विकास दुबे के 3 गुर्गे मारे जा चुके हैं, जबकि 7 गुर्गों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। अब ये गुर्गे की मुंह खोलेंगे और विकास का पता उगलेंगे। फरीदाबाद से विकास दुबे बचकर निकल गया, लेकिन उसके 3 गुर्गे प्रभात, श्रवण और अंकुर को गिरफ्तार कर लिया गया। हमीरपुर में अमर दुबे का एनकाउंटर हो गया और कानपुर में पुलिस का एक्शन ताबड़तोड़ चल रहा है। यहां 2 जुलाई को पुलिस पर हमले के फौरन बाद एक और मुठभेड़ में विकास दुबे के 2 गुर्गों को पुलिस ने ढेर कर दिया था और उनके पास से पुलिस से लूटी गई ग्लॉक पिस्टल और एक लाइसेंसी हथियार बरामद कर लिया गया था। और अब फिर से कानपुर पुलिस ने एक्शन में आते हुए विकास के 3 और गुर्गों को धर दबोचा है। इनमें 50,000 के इनामी बदमाश और बिकरू कांड के नामजद आरोपी श्यामू वाजपेयी, जहान यादव और संजू दुबे शामिल हैं। श्यामू के पैर में गोली लगने के बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। श्यामू का मकान विकास के घर के पास ही है। 50,000 का इनामिया श्यामू वाजपेयी, जो कि उस एफआईआर में नामजद है, तथा जहान यादव, ये भी नामजद अभियुक्त है, तथा एक अन्य अभियुक्त संजू दुबे को कानपुर नगर के पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक्शन सिर्फ विकास दुबे के गैंग पर ही नहीं हो रहा है, बल्कि उन गद्दार और बिके हुए पुलिस वालों पर भी हो रहा है जो विकास दुबे की ठोकरों में जी रहे थे। बिकरू शूटआउट में इलाके के थानेदार विनय तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तिवारी के अलावा दरोगा के शर्मा को भी गिरफ्तार किया गया है। विनय तिवारी पर शहीद डीएसपी देवेंद्र ने गैंगस्टर विकास दुबे का बचाव करने का आरोप लगाया था।
पुलिस जांच में सामने आया था कि विकास दुबे ने के शर्मा को फोन कर धमकाया था और पुलिस टीम को गांव में आने से रोकने को कहा था। विनय तिवारी जो कि एसओ चौबेपुर थे उनको गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के बाद के शर्मा जो कि चौकी इंचार्ज थे उनको गिरफ्तार किया गया और ये भी सूत्र बताते हैं कि तमाम और पुलिस वालों की गिरफ्तारी हो सकती है। वजह ये साफ है कि जिस दिन ये घटना हुई उस दिन विकास दुबे को सूचना देने वालों में नाम पुलिस वालों का था जिन्होंने बताया था कि रेड होने वाली है। पुलिस बिकरू गांव के कुएं को भी छान रही है। ये कुआं विकास दुबे के घर के पास है। पुलिस को शक है कुएं में हथियार फेंके गए हैं। आज तक पर हमने सबसे पहले बताया था कि गांव के भीतर कुएं जो कुआं है उसके भीतर सबूत हो सकते हैं, इसलिए उस कुएं को खंगाला जाएगा। आप देख सकते हैं कुएं के अंदर पंपिंग सेट लगा करके बाकायदा उसका पानी निकाला जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि खाली करके उसको देखा जाए कि क्या उसके भीतर कोई हथियार या कोई ऐसा सबूत है जो कि विकास दुबे ने डाला था। अब विकास दुबे का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। शिवेंद्र श्रीवास्तव, कानपुर आज तक। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।